हेलो गाइस, माय सेल्फ अंशुल धीमान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए एससी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आप ही की डिमांड पर। इससे पहले भी मैं आपको ये टॉपिक यानी कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास जो आपका टॉपिक है, आपको इस पर पहले भी एक एससी प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो वो आपको बहुत पसंद भी आया है। बट मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला कि मैम, आप इस पर जो है विद हेडिंग्स लेकर आइए। सो वो भी आपका बेस्ट एससी है, उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में भी पिनअप कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। सो आप इसको भी देखिए, ये भी आपका जो है विद हेडिंग्स के साथ में लेकर आई हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला एससे भी बहुत पसंद आएगा और इससे भी आपको जो है कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये उस वाले एससे से बिल्कुल डिफरेंट है। सो देखिए, सबसे पहले हम हमारे एससे में इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड भी कराई हुई है, हाउ टू राइट अ गुड एससे यानी कि हम एक अच्छा निबंध किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो इसमें हमने स्टार्टिंग की है हमारे इंट्रोडक्शन की। देखिए, द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट is defined as the development that meets the needs of the present generation without excessive use or abuse of natural resources so that they can be reserved for the next generation। यानी कि ये जो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका मतलब क्या डिफाइन करता है? जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनके अत्यधिक उपयोग या दुरुपयोग के बिना, मतलब वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को किस तरीके से पूरा करता है, ये इस बारे में जो है। नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दे कैन बी रिजर्व फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ताकि वो अगली पीढ़ी के लिए इसको सुरक्षित कर सके। देर आर थ्री एम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो है मतलब जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके तीन उद्देश्य हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक, यानी कि क्या होता है आर्थिक, विच विल हेल्प टू अटेन द बैलेंस्ड ग्रोथ यानी कि जिससे संतुलित विकास जो है प्राप्त करने में मदद होगी। सेकंड इज द एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, पर्यावरण टू रिजर्व द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारा उसको रिजर्व यानी कि संरक्षित करने के लिए। एंड थर्ड इज सोसाइटी, सोसाइटी किस लिए, विच विल गारंटी इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स यानी कि जो सभी मनुष्यों के लिए संसाधनों को जो है समान उन तक पहुंचाने की गारंटी देगा। फिर एक अच्छी सी कोटेशन हम ऐड करेंगे, आप इसको चाहे तो अपने निबंध के एसे के स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज मैंने ये इंट्रोडक्शन अपना जो है लिखने के बाद उसके एंड में ऐड किया है। सो देखिए, हम लिखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द पीस पॉलिसी ऑफ द फ्यूचर। फिर हमने हेडिंग डाली चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि जो सतत विकास के है उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, उनको यहाँ पे दिखाया गया है, इस पॉइंट में हम शो करेंगे। द मेन चैलेंज टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच आर ग्लोबल इन कैरेक्टर इंक्लूड्स पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, कन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, बिल्डिंग पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड सपोर्टिंग रूल ऑफ लॉ। यानी कि देखिए, गरीबी, बहिष्करण, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, मानवीय सहायता, शांतिपूर्ण समावेशी समाज और मजबूत संस्थानों का निर्माण और कानून के शासन का समर्थन करना, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी आउट एंड प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट is often not possible in war two countries as there are other priorities on hand। फिर आप हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल्स, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स शो करेंगे। मैंशन बिलो आर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हैव अ लुक। फर्स्ट है वाइंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, इट्स एन इसेंश जो है अवेलेबल रिसोर्स, ईजिली अवेलेबल है यानी कि आसानी से प्राप्त हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो फ्री रिसोर्स, ये बिल्कुल जो है फ्री मुफ्त है। इट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैनेसिंग द पावर ऑफ विंड विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। सेकेंड आप है लिखेंगे सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी आप जानते हैं सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज रीडली अवेलेबल एंड देयर इज नो लिमिट टू इट।
Solar energy is being used to replace and do many things which were first being done by using non-renewable source of energy. Third, आप heading डालेंगे crop rotation. To increase the potential of growth of gardening land, crop rotation is an ideal and sustainable way. It is rid of any chemicals and reduce the chances of diseases in the soil. यानी कि किसी भी chemical से छुटकारा दिला सकता है और मिट्टी में जो बीमारियाँ diseases हैं उनसे भी छुटकारा इससे मिलता है, उसके chances नहीं होते. फिर है sustainable forestry, यानी कि sustainable यानी कि सतत वानिकी. This is an amazing way of sustainable development where the timber trees that are cut by factories are replaced by another trees. फिर conclusion यानी कि निष्कर्ष, इसमें हमें नया तो कुछ नहीं लिखना होता है, हमने बस जो हमारा पूरा ऐसे यहाँ पे लिखा है उसी का एक रिजल्ट बना के हमें यहाँ पे अच्छे से उसको प्रोवाइड कराना होता है. तो इसमें हमने लिखा है टू कंक्लूड इट कैन बी सेड that sustainable development brings out stability in the requirements of the environment. It makes the resources available for use for the future generations. Sustainable development is an amazing way to conserve the resources provided by nature. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एसे. और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरे इस एसे की या फिर मेरे चैनल पे आप विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको आपके लिए सभी हेल्पफुल एसे बाकी कंटेंट भी प्रोवाइड कराए हुए हैं मैंने. किसी की भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एजुहबिद अंशु के नेम से, जल्दी से जाके वहाँ पर मुझे सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए और पर्सनली जाके आपको मुझे टेक्स्ट करके बताना होगा कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए. या फिर आप मेरी वीडियो भी मुझे ही शेयर कर सकते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ कराऊंगी प्रोवाइड विदाउट एनी कॉस्ट. बस आप अपनी कॉस्ट यही समझ लिया कीजिए कि आपको मुझे ऐसे ही कंटिन्यू सपोर्ट करना होगा मेरे चैनल को. अब अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है, सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक है, जैसे कि अभी हमारे नेशनल इंटरनेशनल कुछ कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं और आपके एकेडमिक लेवल पर भी कुछ ऑर्गेनाइज कराए ही जाते रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से आके बता सकते हैं. वो चाहे आपका पोएम कॉम्पिटिशन हो, स्पीच कॉम्पिटिशन हो, स्लोगन कॉम्पिटिशन हो, ऐसे कॉम्पिटिशन कुछ भी हो, किसी भी तरीका का आपका स्टडी मटेरियल जो है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी. बस आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइस. सो गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिशन. अब मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट वीडियो.